मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई होप एंड प्रे दैट यू एंड योर फैमिलीज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. आई एम ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन बट वेरी वेरी नर्वस एंड एक्साइटेड एट द सेम टाइम. मैंने आप लोगों को टाइम इसीलिए दिखाया कि अब बज रहे हैं 2:30. इट इज़ नॉट दोपहर के 2:30 बट सुबह के 2:30 बज रहे हैं. आइडियली तो इस टाइम पे मैं बैठ के नेटफ्लिक्स पे कुछ देख रही होती हूँ या अपना वीडियो एडिट कर रही होती हूँ, बट आई एम ऑफ टू समवेयर. आई एम गोइंग समवेयर. वेयर आई एम गोइंग वो तो आप लोगों को ये ब्लॉग देखना पड़ेगा. एज यू कंटिन्यू टू वॉच दिस ब्लॉग आप लोगों को पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ. ये जो प्लान था मेरा जाने का, जहाँ पे मैं जा रही हूँ, एकदम इम्प्रॉम्प्टू बना. बस कुछ घंटे पहले, बस ऑलमोस्ट 4 घंटे पहले मैंने अपनी फ्लाइट की टिकट बुक करी. बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू डिसीजन था एंड आई थिंक मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा कोई डिसीजन लिया है बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे. बट आई जस्ट वेंट विथ माई गट एंड द फीलिंग इन माई हार्ट एंड मैंने सोचा चलो कर लेते हैं. दिस इज़ माई बैग. इसमें मैंने किसी तरीके से थोड़े बहुत कपड़े और अपने बेसिक असेंशियल्स ठूस लिए हैं. अभी कुणाल इसमें लॉक लगाएगा. आई गॉट टू चेक इन दिस बैग बिकॉज मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं अपना सूटकेस लेकर आऊँ मम्मी के घर से, ऑर्गेनाइज करूँ. आई डिडंट हैव द टाइम टू डू दैट. बस जो कुछ था आई मेड श्योर आई डिड इट. And this is Kunal struggling with my bag. Kunal, are you going to miss me? Are you serious? Nahi, go have fun, yaar. It's very important sometimes just to go and wo tum aage bata hi doge. I'm so nervous. My head is spinning. I've not been able to sleep and main bahut sweat kar rahi hu. Kunal, I'm very nervous. मुझे पता भी नहीं कि एयरपोर्ट के अंदर अब कैसा दिखता है, क्या करना होता है पहले. आई एम सो सो नर्वस बट लेट्स सी. एंड आई थिंक मुझे ब्लॉग करते वक्त भी आई एम गोइंग टू बी वेरी कॉन्शियस बट लेट्स सी. आई एम ऑन माई ओन. आई हैव टू ईट माई ब्रेकफास्ट अलोन. आई हैव टू डू एनीथिंग एवरीथिंग विदाउट कुणाल. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. बट सुपर एक्साइटेड. मुझे नहीं याद कि मैंने कभी भी अकेले बैठ के रेस्टोरेंट में कभी खाना खाया है. आई वॉज सो नर्वस, सो ओवरवेल्म, सो मैनी मिक्सड इमोशंस. मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे पता ही नहीं होगा हाउ टू ट्रैवल, हाउ टू टेक अ फ्लाइट. इतनी मिक्सड इमोशंस थी, नर्वसनेस थी. बट वंस माई सिक्योरिटी चेक वॉज डन, आई सॉ दी शॉप्स. मैंने अपने लिए एक सैंडविच लिया है खाने के लिए. आई एम फीलिंग सो मच बेटर, सो मच रिलैक्सड. मेरे पास अच्छा खासा टाइम है बिफोर द बोर्डिंग टाइम स्टार्ट. तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी पेट पूजा कर लूँ, ये एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस एंजॉय करती हूँ. सी यू इन अ मिनट.
food experience, everything. I can't believe I'm in Goa. और मैंने जैसे ही कैब बुक करी और कैब में बैठी, it started raining. I hate the rains, but the drive was so beautiful, so peaceful. देखा आपने, it is so lush green. और यहाँ की जो हवा है, इस हवा में ही एक अलग सी खुशबू है. The good news is it has stopped raining and मौसम बहुत ही अच्छा है. It's 26 degrees and काफ़ी pleasant है. बहुत ही windy है और सूरज भी थोड़ा थोड़ा निकलने लगा है. अभी करीब 7:45 बज रहे हैं और मैं on the way हूँ to the hotel to meet my two really good friends. वो दो लोग कौन है वो तो आप लोगों को ये vlog देखते रहना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा वो दोनों कौन है. सो स्टे ट्यून्ड और अब मैं आप लोगों को मिलती हूँ वंस आई मीट माई टू फ्रेंड्स. सी यू इन अ बिट. मेरे एडवेंचर की शुरुआत हो चुकी थी एंड आई वॉज नॉट कम्प्लीटली रेडी फॉर इट. आगे के व्लॉग्स बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं, सो मेक श्योर यू आर ट्यून्ड इन और एक भी व्लॉग मिस मत करना.